क्या कहेंगे आपका, क्या यहाँ आने का क्या है? यहाँ हम एक शादी समारोह में आए हैं। कृष्णा मिश्रा जी हमारे परिवार जैसे व्यक्ति हैं, इनके लड़की की शादी है और इसलिए शादी में मैं आया हूँ। वैसे कल मेरा कुशीनगर में कार्यक्रम था और रात को मैं वाराणसी आया, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके इस समारोह में आया हूँ और इसके बाद मैं एयरपोर्ट से जयपुर चला जाऊँगा। किसान बिल पे कुछ कहना चाहेंगे? सरकार ने जो तीनों किसानों संबंधित कानून बनाया था, बहुत सोच विचार करके बनाया था, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, उसके सकारात्मक पक्ष के बारे में किसानों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन किसानों की तरफ से लगातार आंदोलन और यह कानून वापस जाए, लिया जाए, मांग की जाती रही और शासन की तरफ से समझाया नहीं जा सका उनको। अंत में इन्होंने ये निर्णय लिया कि इस कानून को वापस लेना चाहिए और बड़े आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बड़ी सकारात्मक दिशा में ये पहल है, अच्छा कार्य हुआ है और मैं समझता हूँ कि हिम्मत और साहस के साथ कानून को वापस लेने की घोषणा ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। क्या लगता है कि तमाम किसान इसके विरोध में थे, बहुत किसान इसके समर्थन में थे, तो ये जो आपसी हुई है तो इससे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि आप लोग गांव में हैं, जाते आते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रतिक्रियाएँ हैं, ये तो आप लोगों के माध्यम से पता रहेगी। लेकिन सामान्य तौर पर इसको लेकर जो एक बड़ा ही एक विचित्र स्थिति पैदा हुई थी वो सब आप हुई। राजस्थान में जिस तरह से राजनीतिक उठापटक चल रही है, उसमें सीएम आज आपसे मिले, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।